गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम री की मात्रा के शब्दों और वाक्यों को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं और आप री की मात्रा से रिलेटेड दो वर्कशीट्स भी कर चुके हो जिसमें रिक्त स्थान भरो और शुद्ध करो थे। तो बच्चों, आज हम री की मात्रा से रिलेटेड मात्रा लगाओ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जैसे शब्द बिना री की मात्रा के होगा और आपने वह शब्द पढ़ने के बाद देखना है कि किस वर्ण के नीचे री की मात्रा लगाकर शब्द पूरा करना है। तो आओ मैं आपको ये समझाने लगी हूँ। जैसे ये शब्द हम पढ़ेंगे, क्या है ये? न प, नप। तो बच्चों, नप तो कोई शब्द होता ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो अगर हम नप के न के नीचे री की मात्रा लगा दे तो ये नृप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नृप। तो नृप का मतलब होता है राजा। इसके आगे हम एक और शब्द करेंगे, ये है कशक। तो कशक भी मीनिंगलेस वर्ड है, इसका भी कोई मतलब नहीं मिलता। तो अगर हम इसके भी पहले क के नीचे री लगा दें तो ये क्या बन जाएगा? क के पैर में री, शक, कृषक। कृषक का मीनिंग तो आप बच्चों जानते हो, क्या होता है? किसान, यस, फार्मर, ओके। आज मैं आपको टू वर्कशीट्स सेंड करूंगी, वर्कशीट 3 और 4। वर्कशीट 3 में मात्रा लगाओ है, जो कि दो शब्दों को मैंने री की मात्रा लगाकर बनाया है, और बाकी के आप ध्यान से पहले पढ़ोगे और री की मात्रा लगाकर शब्द बनाओगे। ऐसे ही आपने वर्कशीट 4 में री की मात्रा के वाक्य बनाने हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको अच्छी तरह से वाक्य पढ़ाए थे। आई होप वाक्य लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलो ये वाक्य फिर हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए वाक्य बनाओ। नंबर 1, मृग तृण चरता था। आगे है, घृत का दीपक जला। घृत मीन्स घी होता है बच्चों, घी का दीपक जला मीन्स घृत का दीपक जला। आगे है, कृषक कृषि कर रहा था। इसके आगे है, मृग भाग आया। अमृत वाणी का पाठ कर। तो बच्चों, ये वर्कशीट 4 में मैंने 5 वाक्य लिखे हुए हैं और बाकी के 5 वाक्य आप बनाकर लिखोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।